Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hello दोस्तों, welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं. स्टॉक का नाम है लवेबल. तो चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा. करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो इसका 158.85 के आसपास चल रहा है और ये हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे अभी है. इसको मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ, बट हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं. इसको हम लोग तो और थोड़ा सा पीछे जाएंगे. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है. प्राइस ने कम से कम 180 के आसपास हाई लगाया था, उसके बाद हमें कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिला और प्राइस ने 84 का लो लगाया था. उसके बाद वापस से हमें बाइंग देखने को मिला. उसके बाद ये जो मेरा ग्रीन लाइन है, ये मैंने इसको एक रेजिस्टेंस के तरह मार्क किया है, जिसमें कि बार बार हम लोग को यहाँ पे हिट होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है. बार बार ये लेवल टेस्ट करा, उसके बाद प्राइस फाइनली डाउन आया और इस जगह से, इस सपोर्ट से यहाँ से प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया है. अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली आपको लाइन मार्क करके ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये देखिए इस लेवल पे, यहाँ पे भी प्रीवियसली सपोर्ट हमें देखने को मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला. अब ये सपोर्ट की तरह ऊपर गया, अगेन प्राइस डाउन आया, तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. फाइनली अभी ये ब्रेक करके ऊपर गया. तो इस तरीके का प्राइजेक्शन हम लोगों ने अभी तक रीड किया है. तो हम लोग अभी इसको नेक्स्ट क्या प्लान करेंगे, क्या नहीं प्लान करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी टाइम यहाँ पे साइडवेज किया था, बट उसके ऊपर पे अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इसको हिट करके इसको फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया. उसके बाद फिर यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला. तो मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम इसको 15 मिनट में देखें, हम लोग को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है. जो एक कैंडल, ये आप देख सकते हो, ये बड़ा कैंडल एक टाइम के लिए इतना बड़ा बन गया था, 167 एक टाइम के लिए एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके का बना था, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, इसके वजह से प्राइस अभी डाउन आया है. अगर मैं इसमें कुछ प्लान करना चाहूँगा तो ये जो मेरा एक चेंज ऑफ पोलैरिटी है, यानी कि जो सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, कुछ इस तरीके का जो थ्योरी है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वेट करूँगा इस लेवल के आसपास. तो अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली रिस्क मैनेजमेंट को साथ में आप इसको प्लान करें, बिना कुछ भी जाने कोई भी क्वान्टिटी ना डालें. और इसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखना है कि अगर आपके एनालिसिस, अगर आपका प्राइजेक्शन आपको परमिट कर रहा है, तो उसी जाके इस स्टॉक को ट्रेड करें. और मैं सजेस्ट करूँगा आप पेपर ट्रेड ही करें, रियल मनी लगाने का बिल्कुल भी ना सोचें. अगर आप बिगनर हो, सीख रहे हो, तो इसमें पहले पेपर ट्रेडिंग करो. पेपर ट्रेडिंग करने का बहुत सारा तरीका है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको भी देख सकते हो. रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, उसको भी डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो. और अगर आप इसका एग्जैक्टली देखना चाहते हो कि कहाँ पे क्या लेवल है और इसमें क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा. और अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बस आपको हमारे अंडर एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है. तो ये स्टॉक को वॉचलिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा. हालांकि अभी इतना जल्दी नीचे तो नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे आपको बहुत जगह सपोर्ट मिलेगा, बट मैं यहाँ पे इसको प्लान तो नहीं करने वाला हूँ. थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, सारे लेवल को ब्रेक होने देते हैं, फिर अगर प्राइस यहाँ पर कहीं पर आता है, देखिए मैं एग्जैक्ट लेवल तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, ये सारे ग्रुप में मैं ऑब्जर्वेशन के लिए ही देता हूँ, इसीलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो. तो सेबी के गाइडलाइंस इतने ज़्यादा हैं कि इसीलिए मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह में शेयर नहीं कर सकता. तो बस आपको देखना है कि ये जो मैंने एक ड्रॉ किया है लेवल, इसके आसपास अगर कुछ प्राइजेक्शन बन रहा है या फिर कैंडलस्टिक बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो भी आप इसको टेक्निकल बेस्ड ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लेना. और फाइनली अगर आपको हमारे कुछ भी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना है, डिस्क्रिप्शन के अंडर पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें व्हाट्सअप पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे. बाय.